बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार पर करण जौहर ने पूछ लिए मुनव्वर से ये दो बड़े सवाल, जिसका जैसा दिया जवाब मुनव्वर ने, करण भी हुए शौक। अभिषेक और गर्लफ्रेंड को लेकर उठाए बड़े सवाल मुनव्वर फारूकी के, जवाब सुन सभी रह गए हैरान। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुनव्वर फारूकी इस सीजन का सबसे मास्टर माइंड कंटेस्टेंट है और मुनव्वर फारूकी ने जिस तरीके से गेम खेला है, मुनव्वर का गेम एक्सपेक्टेशन जो था लॉकअप के बात से वैसा तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मुनव्वर की जनता भी इसको मानती है, लेकिन वाकई में मुनव्वर की जनता ने एक बार फिर पावर दिखा दिया है। मुनव्वर की जनता हैशटैग पे लाखों में ट्वीट्स हुए हैं। अब करण जौहर वीकेंड के वार पर आए हैं और करण जौहर के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा है अभिषेक का, दूसरा मुद्दा है मुनव्वर का, और इस मुद्दों को कैसे करण जौहर छोड़ सकते हैं। करण जौहर ने पहले ही अभिषेक को लेकर ईशा और समर्थ दोनों की क्लास लगाई, अंकिता की भी लगाई, मुनव्वर की भी लगाई। अब मुनव्वर की बारी है, मुनव्वर को लेकर क्या मुनव्वर पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, आयशा खान का, जिला का या फिर मनारा का, क्या इसमें सच्चाई है। करण जौहर ने मुनव्वर से पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं, मुनव्वर तुमने उन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, वीकेंड के वार से पहले आयशा खान ने घर के बाहर के कुछ राज खुले मुनव्वर के, और मुनव्वर फारूकी वो सारी चीजों को एक्सेप्ट भी करते नजर आए। नाजिला ने यहां पर साफ कह दिया कि ये लड़का बिल्कुल झूठ कह रहा है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके। नाजिला और आयशा के बीच में जिस तरीके से पिस गया है ना मुनव्वर, उसके बाद बहुत सारे लोग मुनव्वर के साथ हैं, तो कई सारे लोग मुनव्वर को वुमेनाइजर भी कह रहे हैं। इस पर अब करण जौहर ने कहा कि मुनव्वर तुम्हें थोड़ा भी अंदाज़ा है कि तुम्हारी जो इमेज है उसकी किस तरीके से धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, बाहर एक बार निकल कर देखना तुम्हारे बारे में किस तरीके से बातें की जा रही हैं, और जो भी एक्सपोज किया है ईशा ने तुम्हें नेशनल टेलीविज़न पर, तुमने वो सारी चीज़ें स्वीकार ली, लेकिन क्या इसमें तुम डिफेंट में कुछ भी कहना नहीं चाहोगे। इस पर मुनव्वर ने जवाब दिया और मुनव्वर ने कहा कि देखो, मैं अगर किसी को बदनाम करने जाऊँगा तो शायद बहुत सारे राज खुल जाएंगे, राज को राज ही रहने दो, अगर मुझे कोई बदनाम कर रहा है तो ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं सारी चीज़ें सह सकता हूं, लेकिन अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में हूं या फिर मैं था तो मैं उनको बदनाम कभी नहीं करूंगा, वरना ऐसे कई सारे राज हैं जो मैं खोलने पे आया ना तो बहुत सारे लोग घर के अंदर और बाहर एक्सपोज हो जाएंगे। ये बातें सुनने के बाद करण जौहर भी शॉक हो गए थे और करण ने कहा कि तो मतलब तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी इमेज को जो ठेस पहुँच रहा है। मुनव्वर ने कहा कि मैं मुनव्वर की जनता को जानता हूँ, जो लोग मुझे पहले से प्यार करते हैं उनको पता है मैं क्या हूँ और मैं क्यों हूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, किसी के कहने से ना ही मैं बदल जाऊँगा और किसी के कहने से ना ही मैं बदनाम हो जाऊँगा। बदनाम तो कर लोगे मुझे, पहले मेरा नाम तो होने दो। मुनव्वर फारूकी को शेर व शायरी के लिए जाना जाता है और एक बार फिर शेर व शायरी के अंदाज में मुनव्वर ने कहीं ना कहीं अपने ही बातों में करण जौहर को भी शॉक कर दिया। मुनव्वर को लेकर करण जौहर के दूसरे बड़े सवाल थे, मुनव्वर तुमने अभिषेक को अपना अच्छा और सच्चा दोस्त बोला था, फिर अभिषेक से तुम्हारी इनसिक्योरिटी क्यों नज़र आ रही है, क्या तुम अभिषेक से इनसिक्योर हो, क्या अभिषेक को कंपटीशन मानते हो। मुनव्वर फारूकी ने जवाब दिया कि मैं अभिषेक को अब भी अपना दोस्त मानता हूं, मैं थोड़ा सा शौक हूं जब उसका व्यवहार बदला शो में आने के बाद, वो जिस तरीके से मेरे से बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, अंकिता से बात कर रहा है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं किसी को अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि शो में री एंट्री करने के बाद अभिषेक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उभर कर आया है, अभिषेक मेरा दोस्त है और रहेगा हमेशा, गेम जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा, ये सब गेम का एक पार्ट है, इस बात को अभिषेक भी समझता है। अभिषेक को लेकर, आयशा को लेकर, नासिला को लेकर बेबाकी से मुनव्वर ने जवाब दिया है। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।